चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से यहां पर आपको एसएससी सीजीएल का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हमने यहां पर मैथमेटिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंट यहाँ पर टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हैं, अनुपात या परसेंटेज, कार्य समय से रिलेटेड या फिर हमारे आधार यहाँ पे। तो आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पे आराम से देखेंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 35 पुस्तकों का मूल्य 2758 रुपया हो तो 13 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ पर 35 पुस्तकों का मूल्य यहाँ पर इतना दिया है तो हमें 13 का निकालना है। तो इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक पुस्तक का मूल्य पता होना चाहिए और फिर हम इजीली बता देंगे 13 पुस्तकों का मूल्य या फिर कितनी भी पुस्तकें हैं बता देंगे हम। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले हमें दिया है 35 पुस्तकों का मूल्य, 35 का मूल्य यहाँ पे दिया है 2758। तो हमें निकालना है एक का मूल्य, एक का मूल्य हो जाएगा 2758 बट्टे 35 रुपया। ये हमने एक का निकाला और अब हमें बताना है यहाँ पे 13 पुस्तकों का मूल्य। तो 2758 बट्टे 35 यहाँ पर हमारा एक का हो गया और जब हम गुणा 13 कर देंगे तो ये 13 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1024.40 रुपीज। तो ये हमारा यहाँ पे 13 पुस्तकों का मूल्य आ गया 1024.40 अर्थात 1024 रुपये और 40 पैसे। तो और ऑप्शन नंबर ये हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको यहीं सॉल्व करना है। पहले आप एक यूनिट का मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद जितना भी निकालना हो आप उसको गुणा कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कार्य और समय पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है। देखिए, एक ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है मतलब उसे 3 गुना ज्यादा कार्य क्षमता है उसकी, अतः वो किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें फाइनली बताना है दोनों काम को एक साथ करने पर कितने दिन लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान लेंगे माना समय। अब समय आप दोनों का मानेंगे, पहले आपने मान लिया बी का समय मानेंगे आप, क्योंकि देखिए बी ए पर डिपेंड है तो पहले आप उसी को मानते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो बी आप यहाँ पर ए हमारा ए का समय बी पर डिपेंड है तो बी का समय हमारा हो गया एक्स, मान लिया हमने एक्स दिन। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का आप खुद ही आ जाएगा, देखिए ए का हमारा होगा एक्स माइनस 60 दिन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमारा जो ए है ए 60 दिन कम लेता है बी से। तो ये हमारा हो गया और हमें एक रिलेशन दिया, देखिए कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अर्थात इसकी जो कार्य क्षमता है इससे 3 गुना ज्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे, बी का जो समय है वो कितना है 3 गुना ए के समय के बराबर, क्योंकि समय यहाँ पे जितना बी समय ले रहा है उसका तीसरा जो हिस्सा है वो यहाँ पे ए ले रहा है वो समय। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा, अब देखिए ए का बी का हमने समय यहाँ पे लिया एक्स और ए का समय हमने लिया यहाँ पे एक्स माइनस 60 और इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स का मान यहाँ पर 2x बराबर कितना आ रहा है, 2x बराबर 180 आ गया। तो x बराबर यहाँ से आ गया हमारा 90, तो 90 यहाँ पे x का मान आ गया, अर्थात जो b कार्य को पूरा करेगा वो 90 दिनों में करेगा, 90 दिन लेगा b और 60 दिन कम ले रहा है हमारा a, अर्थात 60 दिन कम कर देंगे तो 90 में से हमारा बचेगा 30 दिन कौन लेगा, ए लेगा।
और ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी ट्रिक होती है ए बी बट्टे ए प्लस बी। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इतने दिन लेंगे, ये हमारी एक ट्रिक होती है। तो इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इसमें आप रख देंगे वैल्यू तो इजीली निकल जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा 90 गुणा 30 बट्टे 90 प्लस 30, अर्थात सॉल्व करने पर इसी मिल रहा है हमें 22 सही 1/2, अर्थात 22.5 दिन लगेंगे इनको इस कार्य को पूरा करने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इतनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, केवल जैसे हमने वैसे ही किया जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था उसी अकॉर्डिंग हम करते गए, और एक आठ ट्रिक का यूज़ करके हमने इजीली इसको निकाल लिया। तो आप यूँ ही करेंगे इन क्वेश्चनों को। अब देखिए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनुपात पर आधारित है, रेशियो से रिलेटेड। यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए जब भी हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2a बराबर 3b दिया है तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा a अपॉन b बराबर 3/2, या आप इसे कहें ए अनुपात बी बराबर 3:2। ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वैसे दूसरा वाला दिया है 4b बराबर 5c, तो यहाँ से बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की तरह करेंगे बिल्कुल 5:4। तो यह हमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही वाला रिलेशन लेंगे हम यहाँ पे, ए बी और बी सी यहाँ पे लेंगे और इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला हमारा 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। ये हमारी एक ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ किया तो हमने ये 15 आया अनुपात, फिर इसका गुणा यहाँ किया तो 10 आया अनुपात, इसका गुणा यहाँ किया तो हमने क्या आया 8 आ गया। तो ये हमारा निकला ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कभी कभी कभार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आप यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। बट हमें यहाँ पे जो पूछा गया है वो हमें पूछा गया है ए अनुपात सी, तो इसको आप इजीली बता देंगे, ए की जगह पर 15 आ गया, अनुपात सी के लिए यहाँ पर 8 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर अनुपात बन गया, ये अनुपात सी यहाँ पर 15:8। तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है इनको। यदि आपसे यहाँ पर तीनों निकालने को आ जाते हैं तो आप इस तरह निकालते हैं, और दो पूछे जाते हैं तो आप दोनों को सेपरेट कर लेंगे। कभी कभार हो सकता है आपको यहाँ पे ए अनुपात सी दिया हो और ए अनुपात बी निकालना हो, तब भी आप इसी मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, प्रतिशत और लाभ हानि पर आधारित, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस पर रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे है ये। 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना इस छूट को दिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए जब वो यदि ये छूट ना दे, जो ये 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यदि इसे भी ना दे तो तब उसे कुल कितना लाभ होगा। देखिए इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो काम होता है, यहाँ पर क्रय मूल्य मानते हैं हम, और क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, कोई यहाँ पर मूल्य नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर 100 रुपया मान लिया। और दूसरा हमारा क्या, हम क्या निकालेंगे, वो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमें दिया है कि 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 10% लाभ कितना होगा, यहाँ पे 100 गुणा 110/100, 100 ये 100 कड़ा अर्थात 110 रुपया आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया इसमें लाभ होने पर। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है कि 12% की छूट देने पर, अब हम यहां पर मानते हैं, माना अंकित मूल्य उसका 100 रुपया है,
क्योंकि वो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो 100 रुपया है तो 12% की छूट देने पर बेच रहा है। देखिए 12% की छूट देकर तब यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि देखिए 12% की छूट देने पर वो बेचता है उसे, तो तब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 12% की छूट, अर्थात यहाँ पे 88/100 आ जाएगा, क्योंकि हानि के बराबर ही हमारे यहाँ पर छूट को मानते हैं हम, हानि की तरह। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स गुणा 28/100, तो इतना रुपया इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। चाहें तो आप इसे काट सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप 4 से भी काट सकते हैं आप, 22x/100, नीचे 25 आ जाएगा, 25×100, तो इतना रुपया आ गया। और हमें यहाँ पर अभी हमने निकाला विक्रय मूल्य क्या था, 110 रुपया, तो ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को यहाँ पे 22x/25 बराबर क्या होना चाहिए हमारा, 110 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 110×25/22, अर्थात ये हमारा आता है 125 रुपया। तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने अंकित मूल्य माना था, अर्थात ये हमारा अंकित मूल्य था 125 रुपया, और क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपया। तो यदि वो यहाँ पे डिस्काउंट ना देता, छूट ना देता, तो कितना लाभ होता उसे, लाभ यहाँ पे 25 हुआ है बट्टे क्रय मूल्य 100 था गुणा प्रतिशत निकालने लगे 100, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 25% आ रहा है, तो इतना उसे लाभ होता टोटली। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दिख रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है, प्रतिशत पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं हमारे उनको आसानी से कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सैंपल पेपर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे दोस्तों। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स।